Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel and Jummah Mubarak to everyone. ये है जी सुबह नहीं 10:30 11 का टाइम होगा जी, और ये मैंने कहा आपको ज़रा बाहर का माहौल दिखा दूँ प्लस अपना काम भी दिखा दूँ. मैं कर रही थी सफाई, झाड़ू पोछे, लाइक झाड़ू हो चुका था, डस्टिंग हो चुकी थी, पोछा दे रही थी, और साथ में जी ये जुमा है तो कपड़े बेड पे, यू नो ईद हो या जुम्मा हो, पाकिस्तानी घरों में बेड पे शलवार कमीज ज़रूर बिखरा होता है. और जी मुस्तफ़ा ले रहा है शावर, जुमे की तैयारी कर रहा है, और मैंने बस स्क्रीनिंग वगैरह कर रही हूँ, और जिप्सी जो है ये मेरे पीछे पीछे है. इसे इसका मूड है ऊपर जाने का टेरेस पे, और मैं स्टेयरकेस की तरफ जाती हूँ तो इसे लगता है हम ऊपर जाएंगे, और मैं नहीं जाती तो इसका मूड ख़राब हो जाता है. सुबह के टाइम ज़रा होता भी है ये लाडियाँ, यू नो. और जी किचन था मेरा गंदा, जो कि मैंने नमाज के बाद क्लीन करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि फिर इसके साथ लगी तो रह जाएगी नमाज. और जी आज कुछ प्लान बन रहा था हमारा ना डिफरेंट सा बनाने को, और डिफरेंट जो है वो हमारे घर में कोई लंबी चौड़ी डिश होती है, लंबी मतलब जो टाइम टेकिंग, तो कढ़ी पकौड़ा जो है वो बनेगा. बड़े दिनों से ही दिल कर रहा था तो आज हमने कहा बना लें. और ये जी डस्टर, तो बहुत इतनी डस्ट मेरे घर, पता नहीं सबके घर यही हाल है. तो मैं दो बार डस्टर धोती हूँ, और डस्टिंग के बीच में एक दफ़ा धोती हूँ एक डस्टर को फिर दूसरे को. और कभी फ्रिज गंदा, कभी सकर गंदा, कभी ये चीज़ साफ़ कर लो, आज वो कर लो, और पंखे अभी ऐसे हो रहे हैं जैसे कभी ज़िंदगी में इन्हें साफ़ नहीं किया. और जी फिर मैंने कढ़ी स्टार्ट की है, और कढ़ी के लिए सबसे पहले जो मैं चीज़ करती हूँ वो होती हूँ बेसन भून लेती हूँ. मुझे ऐसे लगता है मेरा हाफ़ काम डन हो गया, और क्योंकि ऐसे कुकिंग टाइम भी मुझे लगता है थोड़ा कम हो जाता है कढ़ी का, क्योंकि फिर आपको वैसे काढ़नी होती है, कढ़ी पक तो जाती है एक्चुअली, वो फिर आपकी अपनी चॉइस कि आपने कितनी देर उसको एक्स्ट्रा कुक करना है. तो जी बस ये बेसन भून लिया, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब थोड़ा ब्राउनिश सा होगा ना और इसकी खुशबू चेंज हो जाएगी, तो बस निकाल के प्लेट में रख लें. फिर मैंने साथ में मसाला बनाना शुरू कर दिया. उसके लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के टमेटोज़ लिए, उन्हें काटा है मोटा मोटा, और तीन शायद हरी मिर्चें थी, और 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाला है. थोड़ा सा ज़्यादा है क्वांटिटी आम रूटीन से सालन की, तो इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ सॉल्ट. और मिर्चें जितनी थी कंटेनर में मैंने डाल दी, शायद ये 1.5 टीस्पून ही थी. और जी 1 टीस्पून जो है ये डलेगा सूखा धनिया. हल्दी भी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी, क्योंकि थोड़ी येलोश होती है ना कड़ी, तो अच्छा लगता है इसके साथ ज़रा तेज़ रंग हो तो. और मेथी मैं मसाला जो बनाती हूँ ना किसी भी सालन का, उसके बीच में ही डाल देती हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, एंड में डालने से बेहतर है. और थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, और थोड़ा सा सूखा धनिया डालूँगी. और जी मुझे आपकी चॉइस है, आप ये मोटा वाला मतलब साबुत जो होता है मसाला, होल जितने भी स्पाइसेस हैं ये डालें या ना डालें, मुझे इनका फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ, वरना 3-4 मसालों से भी मसाला अच्छा बन जाता है. और चिली फ्लेक्स डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट, थोड़ी स्पाइसी और अच्छी लगती है ना कलरफुल सी, इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा मसाले डाल रही हूँ. और जी 2 टेबल स्पून जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट. ये वाला जो है मैंने बना के रखा हुआ था ऑलरेडी, जार दूसरा है, लेकिन वैसे मैंने इसको घर पे ही किया हुआ था, और इतना लंबे दिनों का नहीं बनाती कि वो ग्रीन हो जाए. और जी बस प्याज़ हो रहे हैं ब्राउन, ये वो मसाला है जो मैंने बनाया था. और ये जो मैंने दही बेसन भुना था ना, उसको मैंने 1 kg में से मैंने एक छोटे वाला बोल निकाल लिया था दही का, तो लाइक 3 पाव होगा तकरीबन उस दही में जो है ग्राइंड कर लिया. और साथ में एक जग में मैंने एक्स्ट्रा भी पानी रखा हुआ है कि मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं साथ ऐड कर दूंगी. फिर फर्दर आप अपने हिसाब से देख लेना जितना आप कढ़ी बनाते हैं. मैंने 5 टेबल स्पून बेसन लिया था, तो उसके हिसाब से फिर मैं बाकी पानी भी डालूंगी. और बस जी मसाला भुनेंगे. प्याज थोड़े से डार्क हो गए जितने मेरे होने चाहिए थे उससे, मैं शायद बिज़ी थी कहीं, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि थोड़े से ही ट्रांसलूसेंट से हों तो आप मसाला डाल के और उसको बस भुने. इसका मसाला अच्छा भुन जाए तो कढ़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है खुद ब खुद. और ये जी मेरी पसंद का मसाला भुन गया था. और उसके बाद मैंने जो जग वाला मिक्सचर था ना, सॉरी ग्राइंडर वाला मिक्सचर जो था दही और बेसन का, वो इसमें ऐड कर दिया, प्लस जो मैंने पानी डाला था जग में एक्स्ट्रा वो एक जग डाला, और साथ जो ग्राइंडर है ना मैंने इसके जग में भी पानी डाल के उसको मतलब रिंस भी कर लिया, और एक जग ये भी मैंने ऑलमोस्ट भर के डाल दिया था. और जी साथ मैंने पकौड़े बनाने की तैयारी भी स्टार्ट की हुई थी, इसीलिए शायद मेरे प्याज डार्क हो गए थे, मैं इसी इधर बिजी. और जी कंटेनर में डालेंगे मिर्चें, और करूँगी मैं स्टार्ट पकोड़े मिक्स करने की तैयारी. वही जो रूटीन की चीज़ें होती हैं, मेरे घर में आलू वाले ज़्यादा शौक से खाते हैं इसलिए हम आलू ज़्यादा रखते हैं. बाकी वही नमक, मिर्च, सूखा धनिया डाला है, ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी मेथी डाली है, और साथ में गर्म मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर. और इसके साथ में इन चीज़ों को ना ड्राई बेसन के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँगी, क्योंकि आलू टमाटर इनमें भी पानी होता है, और फिर मैं देखूँगी मुझे जितना वाटर रिक्वायर्ड होगा मैं उतना डालती जाऊँगी. मैं बहुत कम पानी इस तरह डालती हूँ, मैं
चीज़ों का जो पानी निकलता है ना मॉइस्चर, उससे बेसन को कोट कर लेती हूँ। इससे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत कम से मतलब लाइट से पकौड़े बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। बस जी ये पकौड़ों का बैटर हो गया है डन, इसे थोड़ी देर रखूँगी तो वैसे भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा अभी। और जी बस मैंने फ्राइंग स्टार्ट कर दी पकौड़ों की, बेस उसको कढ़ी को मैंने दूसरे उस पर शिफ्ट किया चूल्हे पे। और पहली बार के जो पकौड़े होते हैं हमारे घर, वो तो सिर्फ चखने के लिए बनते हैं, नमक मेरा चख के बताई जाती है सिर्फ कि अच्छी है या नहीं अच्छी। और जी लास्ट वाला भी जो होता है वो इसलिए रख लिया जाता है कि इतने थोड़े पकौड़े बेसन कढ़ी में डालने हैं, तो जी वो इसलिए भी रख लेते हैं हम। तो जो दरमियान वाले 3-4 बार के पकौड़े होते हैं वो कढ़ी में चले जाते हैं। एनी हाउ जी बस पकौड़े ऑलमोस्ट होने वाले हैं डन, और साथ में मैं जो है कढ़ी को भी चेक करती जा रही थी, वो काफ़ी हाई फ्लेम पे कुक हो रही थी तो वो अच्छी थिक सी होना शुरू हो गई थी। और साथ मैंने तड़का भी रेडी कर लिया था, तड़के में मैंने लहसुन 4-5 उसके जो क्लोव्स थे वो चॉप कर लिए थे, और साथ में जो है क्या उसे कहते हैं ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया था, और घी जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था और 2 टेबलस्पून देसी घी। और कढ़ी बन गई थी, उसमें पकौड़े डाल के मैंने चूल्हा बंद किया और ऊपर से गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया था। जब मैं तड़का डालूंगी ना तो उससे गरम मसाले की बड़ी प्यारी खुशबू हो जाएगी, उसको भी तड़का लग जाएगा ना साथ में। तो बस जी ये ऑलमोस्ट हो गया है डन, तड़का भी लग गया है और बहुत मज़े की बनी थी इसकी ये फ़ाइनल शक्ल। आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी। और ये इसलिए इतनी है क्योंकि ज़ाहिर है फिर जब बनती है तो इधर उधर अड़ोस पड़ोस सबको थोड़ी थोड़ी चखानी भी तो होती है ना। किचन मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था, मैंने उसको समेट लिया था, साथ साथ 2-4 चीज़ें थी ये समेटूंगी। और हम एक जगह जा रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ बड़े मज़े की। ये जी हमारे घर के पास शाहपुर डैम के रास्ते में एक चाय का स्पॉट आता है, तो कहीं ये कोयटा टाइप रेस्टोरेंट है, मुझे इसका नाम नहीं याद, लेकिन यहाँ की चाय बहुत मज़ेदार होती है तो आज हम वो पीने के लिए आए हुए थे। ये है जी सिंपल सी चाय जो हमने इन्जॉय की। आप मेरा व्लॉग देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आप लोगों के लिए एक ब्यूटी टिप है उसे ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा ब्यूटी टिप शेयर करूंगी, ये आपकी स्किन के लिए समर्स के लिए बेस्ट टिप है। ये है जी स्पंज, जो मेकअप स्पंज होता है, आप इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। समटाइम्स इसको मेकअप करने के लिए, ब्लीच करते हैं वो क्लीन करने के लिए, या फेशियल करते हैं तो वो सारा कुछ क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैंने भी एक पैक ख़रीदा हुआ था, उसमें 3-4 थे। ये एक जो है इसको मैंने पानी में डिप किया, नॉर्मल जो हमारे घर का इस्तेमाल का पानी होता है, और उसको मैंने ज़ोर से नहीं दबाया, स्लाइटली इसको मैंने दबा के इसमें कुछ पानी रहने दिया और इसको फ्रीज़ कर दिया, फ्रीज़र में रख दिया नहीं। और ये जो है ये इतना बेहतरीन मज़े का जो है बन चुका है, आप कुछ भी करें लाइक थ्रेडिंग करें या ब्लीच करें या वैसे आम इस्तेमाल में, जैसे आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है किचन का काम करके या स्किन पे रैश हो जाती है, इसको जो है आप चेहरे पे वो करें, अच्छे तरीके से स्लाइटली रब करें, और उसके बाद जब ये इसका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म होने वाला हो जाए, तो आप इसको हल्के हाथ से किसी भी हैंड सोप से जो आप किचन में रखते हैं या वॉशरूम में रखते हैं उससे हल्का सा इसको धोएं और दोबारा से उसी तरह करके और इसको फ्रीज़ कर दें। ये बेस्ट बेस्ट चीज़ है अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको रोज़ वाटर में भी डिप कर सकते हैं। मेरे पास रोज़ वाटर है सैयद गनी का, उसके अंदर विटामिन सी कैप्सूल भी मिक्स है, और वो बेस्ट है स्किन के लिए, तो मैं उसमें भी करके रखती हूँ, सिंपल वाटर में भी करती हूँ, दो रख लें जिस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना है, तो इट्स द बेस्ट बेस्ट रेमेडी।